नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, डाबर दशमलारिष्ट का नाम सुना होगा। डाबर दशमलारिष्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ डली होती हैं, इस क्या ये आयुर्वेदिक टॉनिक है क्या? यदि आयुर्वेदिक टॉनिक है तो इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ मिली होगी, जड़ी बूटियों के इनके फायदे कौन कौन से होंगे, क्या लेने से इसका वास्तव में फ़ायदा होता है, इसको कौन सी बीमारी में जनरली दिया जाता है, इसकी रोज़ाना और कब कितनी डोज लेनी चाहिए, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इसको लेने से वास्तव में फ़ायदा होने वाला है क्या आपका, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे क्या आपको, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी मिलेगी तो आप इस दवा को अच्छे से ले पाएंगे, तरीके से ले पाएंगे और पूर्ण तरह से स्वस्थ हो पाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये डाबर दशमलारिष्ट एक आयुर्वेदिक टॉनिक होता है, बहुत पोटेंट होता है, जो आयुर्वेदिक हर्बल से बनाया जाता है, जो तीन तरीके से काम करती है। इसमें है बेसिकली तीन तरह से काम करता है, आपकी बॉडी को रिजवेनेट करता है, आपको जहाँ पर भी बॉडी में इन्फ्लामेशन है उसको इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, और ओवरऑल आपकी बॉडी को नरिश करता है, उसका पोषण करता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। तो दोस्तों, ये बेसिकली इसको समझने के लिए जो दशमलारिष्ट वर्ड है उसको समझना है। दस का मतलब 10 होता है, मूल का मतलब आपको पता होगा जड़ बोलते हैं, रिष्ट का मतलब होता है रस, मतलब 10 जड़ों की 10 हर्ब की जड़ों से रस बनाया जाता है। साथ में इसमें कुछ और टॉनिक डाले जाते हैं, वो टॉनिक या हर्बल्स कौन कौन सी होती है हम एक एक आपको बताते हैं, उनका क्या फायदा होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला आता है बील पत्र की जड़ होता है। बील पत्र आपको पता होगा, एगल मार्मिलियोस इसको इंग्लिश में बोला जाता है, जिसकी जड़ को यूज किया जाता है, जो एंटी इंफ्लामेटरी के तौर पे काम करती है और इस आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है तो आप अच्छे हेल्दी हो जाते हैं। उसी तरह से एक अग्निमंथ की जड़ होती है, जिसको क्लेरोडेंड्रम फोलमिडिस बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी जड़ को यूज किया जाता है, जो अगेन वही सेम काम करती है जो बील पत्र के लिए बोला था, मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। उसी तरह से दोस्तों, सोयानाक की जड़ होती है, जिसको ओरोक्साइलम इंडिकम बोलते हैं इस प्लांट को, जिसकी जड़ यूज की जाती है। इस जड़ का अगेन एक काम होता है, जो आपको बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करता है, बॉडी में कहीं पर भी दर्द होता है उसमें रिलीफ मिलता है, मतलब एनाल्जेसिक के तौर पर काम करता है। सिमिलरली पटाला की जड़ होती है, जिसको स्टीरियोस्पर्मम सर्वेलेंस बोलते हैं, जिसकी जड़ काम यूज ली जाती है। इस जड़ का एक बहुत अच्छा काम होता है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, मतलब एज ए इम्यूनिटी बूस्टर काम करती है, मतलब इस दवा में एज ए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है, जिससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उसी तरह से गमहार की जड़ होती है, जिसको जेमलिया एर्बोरिया बोलते हैं इसका साइंटिफिक नेम, जिसकी जड़ अगेन यूज होती है, जो दशमलारिष्ट का पार्ट होती है। ये जड़ में का काम क्या होता है या इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, आपकी बॉडी की जो टिश्यूज होते हैं उनका पोषण करता है, और बॉडी में जो इश्यूज होते हैं, जो डैमेज हो गए उसको वापस नॉर्मल सिचुएशन में लेके आते हैं, जिसको बोलते हैं प्रमोट रिजवेनेशन, मतलब आपके नॉर्मल कंडीशन में वापस लेके आता है और अच्छी से आपके टिश्यूज है, ऑर्गन सिस्टम सारे अच्छा काम करने लग जाते हैं। सिमिलरली दोस्तों, बृहती की जड़ होती है, जिसको सोलेनम इंडिकम बोलते हैं, इसकी जड़ को यूज किया जाता है। इसकी जड़ जो होती है वो दो काम करती है, यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में आपका जो इन्फ्लामेशन है, लंग्स में इन्फ्लामेशन है, उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, जिससे आपके हेल्दी लंग्स हो जाते हैं और आप बहुत अच्छे से स्वस्थ हो जाते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट आता है कंठकारी की जड़, जिसको बोलते हैं सोलेनम जेंटोकार्प। इस सोलेनम जेंटोकार्पम की जड़ को यूज किया जाता है, जो जड़ अगेन सेम काम करती है जो अभी पहले बताया था, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंक्रीज हेल्दी बनाता है और आपके इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, मतलब बॉडी के इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। सिमिलरली नेक्स्ट आता है सालपर्णी की जड़, जिसको डेस्मोडियम जेनेक्टम बोलते हैं, इस प्लांट की जड़ को भी यूज किया जाता है, जिसमें ये जड़ जो काम होती है आपके पेन बॉडी में होता है उसको कम करता है, आपका बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है
उसको कम करता है, मतलब इन सबको हेल्दी बनाता है जहां पर भी समस्या होती है। सिमिलरली नेक्स्ट आता है प्रश्नी पर्णी की जड़, जिसको अरेरिया पिक्टा बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। इस प्लांट की जड़ भी यूज की जाती है, जड़ यदि इसमें रहती है तो इसका काम क्या होता है, आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन को कम करता है, मतलब सूजन को कम करता है, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, जिससे आपकी बॉडी की पावर का मतलब ये समझिएगा कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे आप हेल्दी रहते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते। सिमिलरली गोखरू की जड़ होती है, जिसको ट्राइबुलस टेरिस्टस बोलते हैं, गोखरू शायद आप सब जानते होंगे। इसकी जड़ को भी यूज किया जाता है, जो यूरिनरी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस नॉर्मलाइज करता है, जिससे आपकी यूरिनरी हेल्थ का मतलब ये हो गया कि आप यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करता है। इस तरह से ये सारे के सारे दसों के दसों जो प्लांट्स मैंने बताए, उनकी जड़ों का रस रिस्ट के तौर पे इसमें इनकॉर्पोरेट होता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा टॉनिक बन जाता है। इन सब के अलावा एक अश्वगंधा नाम का प्लांट भी होता है, जिसका टॉनिक के तौर पे इसको यूज किया जाता है। इस टॉनिक का काम क्या होता है, बहुत अच्छा टॉनिक होता है, अफोर्डियासिक होता है, मतलब सेक्सुअल पावर बढ़ाता है, नार्कोटिक होता है, मतलब आपकी बॉडी के जो मेंटल लेवल होता है उसको शांत करता है, उसी तरह से डायूरेटिक होता है, मतलब आपका यूरिन यदि प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो यूरिन का आउटपुट बढ़ा देता है, एंथेलमेंटिक की तरह काम करता है, मतलब आपकी बॉडी में यदि कुछ कीड़े वगैरह है तो उनका खत्म कर देता है, एस्ट्रीजेंट के तौर पे काम करता है, मतलब एज एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है, और स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, मतलब आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह से अश्वगंधा भी इसमें रहता है। सिमिलरली आंवला इसमें रहता है, जो आंवला रहता है, इस आंवले को बेसिकली देखा जाता है तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर के तौर पे कहा जाता है, यदि करेक्ट वर्ड बोलूं तो इम्यूनो बूस्टर के तौर पे काम करता है, और जो एज एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और आपकी बॉडी को रिजुवेनेट करता है, आपकी बॉडी नॉर्मलाइज कंडीशन में आ जाती है, कुछ डैमेज हुआ है तो वो सभी डैमेज करेक्ट हो जाते हैं, वापस सही अवस्था में आ जाते। उसी तरह से इसमें मंजिष्ठा, जिसको मुलेठी बोला जाता है, वो भी डाला जाता है, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करके आपकी बॉडी को रिजुवेनेट करता है, नॉर्मल कंडीशन में लेकर आता है, जो टिश्यूज डैमेज हो गए उनको वापस नॉर्मल सिचुएशन में लेके आ जाता है। सिमिलरली इसमें हल्दी होती है दोस्तों, हल्दी तो आपको पता होगा बहुत गुणकारी नेचर की होती है, जो आपकी बॉडी को रिजुवेनेट करती है, इन्फ्लामेशन होता है तो उसको रिड्यूस करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यदि बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उन टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। सिमिलरली इसमें गिलोय भी डाला जाता है। गिलोय क्या करता है दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करता है, स्किन को ग्लोइंग सिचुएशन में बनाता है। ये सारे के सारे मिलके दोस्तों डाबर दशमलारिष्ट बनाते हैं। ये सभी हर्बल्स डाबर दशमलारिष्ट में रहती है, जिससे एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक टॉनिक बनता है। इस टॉनिक्स को कहाँ यूज किया जाता है अपन वो बात करेंगे। बेसिकली पोस्टमार्टम रिकवरी के लिए इसको यूज किया जाता है। पहला यूज इसका ये है, जो चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद मदर की फिजियोलॉजिकली सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर रहती है, तो उस समय जो बॉडी रहती है वो तरह तरह के चेंजेस से गुजरती है, जिसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, इमोशनल चेंजेज होता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेज में उस मदर का जो यूट्रस होता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको नॉर्मल सिचुएशन में लाना होता है, उस रिकवरी को पोस्ट पार्टम रिकवरी बोलते हैं। इसको लेने से बॉडी की पूरी वापस स्ट्रेंथ आ जाती है, विटैलिटी वापस आ जाती है, जो नॉर्मल सिचुएशन है बिफोर आफ्टर द ब्रथ उसको रिकवर करने में इसको यूज किया जाता है, मतलब जो मदर होती है उसको जनरली दिया जाता है। सिमिलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसकी हेल्थ इंप्रूव करता है, मतलब आपकी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है या आपकी जो रेगुलर साइकिल प्रॉपर नहीं है तो इसके लिए भी डाबर दशमलारिष्ट दिया जाता है। और उसी तरह से दोस्तों आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन है, जैसा मैंने आपको सभी जड़ी बूटियों को सभी हर्ब्स के बारे में आपने देखा होगा, ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, तो आपकी बॉडी में जहां पर भी दर्द होगा उसको सही करता है, इन्फ्लामेशन को दूर करता है, आपकी बॉडी में जॉइंट्स में जहां पर भी पेन है उसको सही करता है।
उसी तरह से ये आपके लीवर की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जिसकी लीवर की जो फंक्शंस है उनको प्रमोट करता है, उस लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जिससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होने लगता है। जैसे ही डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपकी जो असेंशियल न्यूट्रिशन है वो बॉडी को धीरे 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 मिलने लग जाएंगे। जैसे ही न्यूट्रिशन मिलने लग जाएगा, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होता चला जाएगा। इम्यूनिटी पावर होगा तो आपकी ओवरऑल विटेलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब ये हो गया पूरी तरह से जनरल वेलनेस हो गया, पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी और बहुत अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। इस दवा को जनरली डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए और फार्मासिस्ट से लेना चाहिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब भी ये दवा आप डॉक्टर लिखता है या दवाई सजेस्ट करता है, तो यदि आप कोई दूसरी दवा ले रहे हैं इसके साथ पहले से, तो उस दवा के बारे में डॉक्टर को जरूर बता दें, ताकि आपको ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि दो दवाइयां एक साथ जनरली जब ली जाती है तो वो आपस में लड़ लेती है, जिससे पेशेंट को नुकसान हो जाता है, और फार्मासिस्ट और डॉक्टर की सलाह बिना दवाई बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों, इस दवा को जब भी आप लें तो इसको हिला लें, हिला के बाद में ही लें, ताकि आपको जो भी हर्बल्स होती है पूरी तरह से मिक्सअप हो जाए। और फार्मासिस्ट से लेना होता है। इसको डोज जनरली कितनी लेनी होती है, 15 से 30 ml इसकी डोज ली जाती है दावर दशमलव अरिष्ट की, जिसमें 15 से 30 ml वाटर मिलाया जाता है, और इसको जनरली खाना खाने के बाद में लिया जाता है। खाना खाने के बाद में इसको लिया जाता है तो इसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, कोई साइड इफेक्ट रिपोर्टेड नहीं है। हालांकि कोई कभी कभार किसी को हो जाए तो आप अपने इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। दोस्तों, इस तरह से जैसा मैंने बताया था शुरुआत में कि ये आयुर्वेदिक पोटेंट टॉनिक होता है, जो आयुर्वेदिक हर्बल से मिलकर बना होता है, जो जनरली तीन काम करते हैं, रिजुवेनेशन ऑफ द बॉडी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन एंड नरिशिंग द बॉडी। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। मींस यदि आप इस दवा को लेते हैं तो आपकी ओवरऑल जनरल वेलनेस रहेगी, आपकी बॉडी इनका विटालिटी इंप्रूव होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वन।